अस्सलाम वालेकुम एंड मोस्ट वेलकम बैक गाइस, आई एम तहसीन हैदर एंड यू आर वाचिंग ऑफ तहसीन सर टेक यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको बताया कि हमने CSS की शुरू सीरीज़ शुरू करी हुई है और उसमें स्टेप बाय स्टेप हम जो है सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीख रहे हैं। और आज की जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है मार्जिन। लास्ट वीडियो में हम सीखा था पैडिंग के बारे में, पैडिंग क्या होती है उसके बारे में अगर आपने मुकम्मल डिटेल से जानना है तो मेरी लास्ट वीडियो जो है प्रीवियस वीडियो उसको आप देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सीखेंगे मार्जिन के बारे में, ठीक है। तो जस्ट मैं ये फाइल बनाई थी इसको ओरिजिनल हालत में लेके आता हूँ, ये मेरी एक मेन डिव था। चलिए मैं यहाँ पर दो तीन डिव जो हैं वो और बना देता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, ठीक है। और इनको मैं नेम दे देता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ मेन वन मेन टू देन मेन थ्री एंड लास्ट में मेन फोर, ओके। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, जस्ट रिफ्रेश करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे चार डिव आ चुकी हैं, ठीक है। तो मैं इन सभी पर एक कॉमन सेलेक्टर लगाकर मेन, अब यहाँ पर एक और चीज़ भी यहाँ उसको सिखा दूँ कि आपने इन चारों पर मतलब चारों के क्लास नेम अलग थे, अगर आप कहते हैं कि ये बार बार मुझे लिखना ना पड़े, ये बॉर्डर सभी भी अप्लाई हो जाए, तो आप यहाँ पर दो काम कर सकते हैं। एक तो यहाँ पर आप डिव दे सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल एस जस्ट सेव और रिफ्रेश, सब पे डिव आ चुके हैं, सबके बॉर्डर आ चुका है, ठीक है। तो इसमें एक और मसला होगा कि आपके पेज में हो सकता है बहुत सारे और डिव भी हों, तो उन सभी डिव पे आपका जो है ये आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं डिव ना क्लिक के मैं इसको लिखता हूँ डॉट मेन वन स्पेस देकर डॉट मेन टू टू स्पेस देकर डॉट मेन थ्री डॉट मेन फोर डॉट कंट्रोल एस और जस्ट रिफ्रेश। यहाँ पर हमारे ये नहीं आए, क्यों, चलिए देख लेते हैं क्यों नहीं आए। इसको यहाँ पर मैं हटा कर यहाँ पे कॉमा दे देता हूँ, ओके, और यहाँ पर भी कॉमा दे देता हूँ और यहाँ पर भी कॉमा दे देता हूँ, कंट्रोल एस और जस्ट मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अब आ गए, अब पहले क्यों नहीं आ रहे थे, हमने स्पेस दी थी, हमने इन चारों को सेपरेट नहीं किया था, वो इन चारों को एक ही लफ्ज़ समझ रहा था, एक ही डिव समझ रहा था, एक ही सिलेक्टर समझ रहा था, हमने चारों को कॉमा लगाकर सेपरेट कर दिए, तो देन हमारे सब पे जो हमारी प्रॉपर्टी है वो अप्लाई हो गई। अब हमने क्या करना है कि अब हमने ये मेरे चारों आगे डिव, अब मैं यहाँ पर एक और काम करता हूँ कि देखिए मेरा ये डिव इन दोनों की लाइन जो है इकट्ठी हुई हुई है, इसकी भी लाइन इकट्ठी हुई है, इसकी भी लाइन इकट्ठी हुई है, मतलब इन दोनों का ये बॉर्डर है ये तो इकट्ठा हुआ है। मुझे नहीं पता लगा है कि भाई दोनों अलग अलग हैं, या लाइन तो नज़र आ रही है, ये लाइन तो HR के ज़रिए भी हम लगा सकते हैं, कि HR का टैग आपने नहीं पढ़ा तो HR का टैग भी आप पढ़ लें, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा आपकी सेपरेशन के लिए, डिव सेपरेशन के लिए, आपका सब्जेक्ट सेपरेशन के लिए वो बहुत ही काम आता है। तो अब हम यहाँ के CSS पढ़ रहे हैं, तो अब यहाँ पर हम लगाएंगे मार्जिन। मार्जिन जैसे ही मैं लगाऊंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मार्जिन मैंने लगा दिया, और मार्जिन लगा देता हूँ 100px, जस्ट मैं इसको सेव करता हूँ और बूम गाइस। अब इसने क्या किया कि इसने अपने इधर से भी 100 पिक्सल ले लिया, इधर से भी 100, इधर से भी 100, इधर से भी 100, इन चारों डिव्स ने चारों साइड से 100 पिक्सल का मार्जिन ले लिया, ठीक है। अब इनको मैं अलग अलग भी कर सकता था, चलिए मैं आपको अलग भी करके दिखा देता हूँ। मैं सिंपली इनको इधर तक डिलीट कर देता हूँ और सिंपली इसको कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी, और यहाँ नीचे आकर कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी यस टू थ्री फोर कंट्रोल एस और जस्ट रिफ्रेश, सेम कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। इन दोनों को मैंने अभी सेपरेट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा कि एक पे 10 कर दूँगा, एक पे 50 कर दूँगा और एक पे 200 कर दूँगा। इन दोनों को मैं अलग अलग देख के देखता हूँ। देखिए अब पहले वाले पे चारों साइडों से 100 पिक्सल था, दूसरे पे सिर्फ 10 पिक्सल था, तीसरे पे हमारा 50 पिक्सल था और चौथा जो हमारा डेव है उस पर हमने दिया था 2000 पिक्सल। 2000 पिक्सल देने में वो बहुत ही छोटा हो कि इधर कहीं है, इधर
अब वो इधर कहीं हैं लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहे, क्यों? क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा पिक्सल दिए हैं कि वो बिल्कुल छोटा बिल्कुल बारीक सा होके कहीं पॉइंट पिक्सल में पड़ा होगा, तो हमारी आँख उसको देख नहीं पाती है। कंट्रोल एस करता हूँ, जस्ट रिफ्रेश करता हूँ, तो ये हमारा वो आ गया। मैंने इसको 200 पिक्सल दिया, इसने चारों साइडों से 200 पिक्सल लेकर ख़ुद को एडजस्ट कर लिया। ठीक है, ये देखिए इस तरह हमारा काम करता है। बाकी इसमें एक और टाइप की होती है कि हमने, अगर आपने बॉर्डर वाला वो वीडियो नहीं देखी तो अब वो देख लें, उसको देखने के बाद आपको मार्जिन तो डेफिनेटली समझ आ जाएगा। बॉर्डर में जितने फॉर्मेट यूज़ होते हैं वही सेम फॉर्मेट यहाँ भी यूज़ होते हैं। जैसा कि यहाँ पर मार्जिन आप ऐसे भी लगा सकते हैं, देन आप मार्जिन 200 पिक्सल, और मैं बाकी सब को कर देता हूँ डिलीट। ये अपनी मेन हालत में रहें, कंट्रोल एस करता हूँ, जस्ट रिफ्रेश करता हूँ, मैं एक ही पे अप्लाई करता हूँ। ठीक है, 200 पिक्सल टॉप से, और मैं कहता हूँ कि राइट से जो हो जाए 20 पिक्सल हो जाए, और देन उसके बाद जो है बॉटम से हो जाए 10 पिक्सल। वैसे हम बॉटम से नज़र नहीं आए क्योंकि इसके नीचे कोई चीज़ नहीं है, तो उसके बाद हमारे पास हो जाए 300px, कंट्रोल एस और जस्ट रिफ्रेश। अब ये देखिए मार्डिव जो है सबसे पहले ऊपर से 200 पिक्सल हो गया, उसके बाद राइट से 20 पिक्सल से स्पेस छोड़ दिया है, बॉटम से 10 पिक्सल क्योंकि इसके नीचे कोई चीज़ नहीं है तो तब इसे स्पेस छोड़ नहीं रहा है, और लेफ़्ट से 300 पिक्सल स्पेस छोड़ दिया है। देखिए लेफ़्ट से 300 पिक्सल छोड़ दिया, तो ये इस तरह काम करता है। उसके अलावा शॉर्ट फॉर्म भी मैंने आपको बताया, इस तरह हमने बॉर्डर में यूज़ किया था, वही सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई होती हैं। मैं अगर मुकम्मल डिटेल्स आपको समझाऊँ तो वहाँ टाइम जो है वेस्ट करने वाली बात है। बॉर्डर की वीडियो को अगर आपने पढ़ी है तो आपको मुकम्मल समझ आ चुका होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये पैडिंग वाली वीडियो भी और ये मार्जिन वाली वीडियो भी दोनों वीडियोज़ आपको समझ आ चुकी होंगी। कोशिश मैं करता हूँ कि आपको मुकम्मल डिटेल से प्रॉपरली समझाऊँ, लेकिन फिर भी जो चीज़ रह जाती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे। मैं हूँ आपका दोस्त तहसीन हैदर, और आप देख रहे हैं तहसीन सर टेक यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।